बिफोर वी गो अहेड विथ मोर क्वेश्चंस, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, उससे पहले दो छोटे छोटे टॉपिक ऑफ थ्योरी आर रिमेनिंग। तो हम लोग पहले चैप्टर के आखिरी दो थ्योरी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, देन विल गो अहेड विथ मोर क्वेश्चंस। तो व्हेन यू बेसिकली सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यू विल कम अक्रॉस वेरी लार्ज नंबर या फिर वेरी स्मॉल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो वॉट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। डू यू नो वॉट इज मास ऑफ अर्थ? मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम। तो एक साइड पे यू हैव -31 किलोग्राम एंड ऑन द अदर साइड यू हैव +24 किलोग्राम। अनदर एग्जांपल, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। देन रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, या प्रॉब्लम आ गया वो किलोमीटर में है तो 6400 किलोमीटर इसको हम पहले मीटर में लिखेंगे, 10³। देन एक काम करेंगे, 6400 को 0.64 कर लेंगे, 1 2 3 4 और एक और कितने से बढ़ा देंगे? 7, राइट। तो हमने क्या किया, 6400 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हाउ मेनी मीटर्स? 1000, राइट। देन व्हाट वी आर डूइंग इज, ऐसा क्यों कर रहे हैं बताऊंगा बाद में, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो 1 2 3 और 4, तो पावर कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 4, राइट। तो यू हैव सच नंबर्स, यू हैव वेरी बिग और वेरी लार्ज नंबर्स। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टेंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 6.67 × 10⁻¹₁। सम यूनिट्स, देन यू मे हैव सम मोर वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, एवोगैड्रो नंबर हो गया, फॉर एग्जाम्पल मे बी मास ऑफ सन हो गया, रेडियस ऑफ सन। तो यू विल कम अक्रॉस वेरी बिग और वेरी स्मॉल नंबर। तो बहुत छोटे नंबर या फिर बहुत बड़े नंबर आप देखोगे फिजिक्स में। तो अब होता क्या है, हमको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रहता, मे बी हमको याद नहीं आ रहा कि 0.64 था या 0.62 था, लेकिन कम से कम पावर याद रख सकते हैं कि 10⁻¹। और दूसरा, जब आप JEE नीट का एग्जाम देते हो तो उस टाइम हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए बहुत कम टाइम बचता है सॉल्व करने के लिए। तो एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना इट विल टेक 10। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम 10 के पावर्स याद रखते हैं, 10⁻³, 10⁻²⁷, 10⁻¹⁹, 10⁻⁷, 10⁻¹⁹, 10⁻¹⁴, करेक्ट। ये जो 10 का पावर है, इन पावर्स को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज द पावर ऑफ 10 ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, 6400 किलोमीटर, इसको मैं 6400 × 10³ भी लिख सकता हूं। तो रूल नंबर वन, जब आप 10 का पावर में लिख रहे हो तो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट में होना चाहिए, इट शुड बी इन SI यूनिट, ओके। तो हमेशा याद रखो कि सबसे पहला रूल है, इट शुड बी इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, रूल नंबर वन। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मैं इस नंबर को ऐसा भी लिख सकता था, 640 × 10⁴। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 64 × 10⁵। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 64,000 × 10⁻². मैं इसको 6,40,000 ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट। तो देर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग डाउन, तो आप चाहो उतने तरीके से लिख सकते हो × 10। तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस एज, इसी को आप लिख सकते हो द सेम नंबर
इस सेम नंबर को लिख सकते हैं 6400 था, दो जीरो निकाल लिए, 10^3 का कितना आ गया 10^5। आप इसको यहाँ पे पॉइंट लिख के यहाँ पे 6 भी कर सकते थे। आप इसी नंबर को लिख सकते हो 0.64 × 10^7। तो प्रॉब्लम है कि 10 के पावर को तो मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोल दिया, लेकिन फिर एक ही नंबर को लिखने के बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, तो हमको एक रूल बनाना पड़ेगा। वो रूल ऐसा है कि यहाँ पे जो नंबर है, इस नंबर को मैं बोलता हूँ ए, सम नंबर ए इंटू 10^10 है, पावर को बोलता हूँ मैं एन। ये जो नंबर आप लिख रहे हो इससे रूल लगा देंगे, ये नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन 5। ए इंटू 10^n वेयर ए इज बिटवीन 0.5 एंड 5। तो अगर मुझे 6400 किलोमीटर लिखना था तो रूल नंबर वन, ये ऐसा यूनिट है क्या, इज दिस ऐसा यूनिट, नो। तो पहले क्या करेंगे, SI में कन्वर्ट करेंगे, तो 6400 × 10^3। फिर एक काम करो, फिर आप इसको 64 या 640 × 10^4 लगा के देखो, ये रूल सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं, क्योंकि A की वैल्यू 0.5 से कहां लगानी चाहिए थी 0.5, यहां पे कितना आ रहा है 640, तो चलेगा क्या, नहीं। तो क्या करेंगे फिर, इसको 64 × 10^5 लिख के देखो चलेगा, नो। इसको 6.4 × 10^6 करके देखो चलेगा, नो। 0.64 × 10^7। अब देखो ये जो नंबर था, ये नंबर 0.5 से बड़ा है, यस, 5 से छोटा है, यस। देन एक बार आपने नंबर को इस फॉर्मेट में लाया, ए पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो जो भी पावर होगा, कौन सा पावर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं भी होगी, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रेडियस ऑफ अर्थ लगने वाला है कैलकुलेशन करने के लिए, और आपको अगर वो वैल्यू याद नहीं, इफ यू डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, पर इतना याद होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 7। व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10^-19, 1.6, ये 0.5 और 5 के बीच में है, yes. तो 10 का पावर क्या है, -19, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ, -19। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10^-31, 9.1, ये 0.5 और 5 के बीच में है क्या, नहीं। तो फिर क्या करेंगे, डेसिमल को एक से शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करना मतलब क्या करना, इंटू 10, 9.1 मतलब 0.9 इंटू 10, इंटू क्या है 10^-31, तो कितना आ गया 10^-30। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, -30, करेक्ट, गुड। अनदर एग्जांपल, व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 × 10^-27, तो 1.67 ये 0.5 और 5 के बीच में है, yes. तो what is order of magnitude of mass of proton, -27। Another example, what is order of magnitude of universal gravitational constant, what is real value, 6.67 × 10^, लेकिन ये 6.67 हमारे पास जो ये नंबर था, ये नंबर ए, ये 0.5 से बड़ा और 5 से क्या ना चाहिए था, छोटा, ये जो 6.67 है, इट इज ग्रेटर देन 5, तो चलेगा क्या, तो डेसिमल क्या करोगे, शिफ्ट, डेसिमल शिफ्ट करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 × 10^-11, तो क्या आएगा ये 0.667 × 10^-10, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, -10, करेक्ट। तो गोइंग बैक टू द बेसिक आइडिया, ये जो फॉर्म होता है, व्हेनेवर यू हैव लार्ज, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज, यू राइट दैट वैल्यू इन दिस फॉर्म, A into 10^n, where A should be greater than or equal to 0.5 and less than
5 इस नोटेशन को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और इसमें जो 10 का पावर आता है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यू कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज ए इंटू 10^2 n, राइट, वेयर ए इज बिटवीन 0.5 and 5. एंड इन दिस केस द पावर ऑफ 10 मतलब n इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऐसा क्यों करते हैं, आई टोल्ड यू एग्जाम में बहुत बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमको वैल्यू याद रहे या एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछा है गिवन मास ऑफ अर्थ समथिंग समथिंग, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कुछ वैल्यू दे देंगे, आपको बोलेंगे मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10^24. There is an object on the surface of Earth whose mass is 50 kilogram. Given radius of Earth R is 6400 kilometer. Correct. Force between Earth and object is, let us say, 5000 newton. Right. Estimate the value of G. करेक्ट, मैंने ये ऐसा ही लिखा है, इससे आंसर सही नहीं आएगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जांपल. और आपको ऑप्शन दिए है ऑप्शन नंबर ए 10^+10, 10^-7, 10^-10 एंड 10^+9. तो कौन सा आंसर सही? सी, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी? -10. अब इसके साथ आपको कुछ नंबर भी दे देंगे, तो दे विल गिव यू सम नंबर. तो यू विल हैव, लेट अस से 6 × 6 × 6 × 6 ×, तो ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट फॉर टू थिंग्स. एक तो कैलकुलेशन का टाइम कम होता है, नंबर टू कि हमको सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यूज हो सकता है याद नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, रफली यू रिमेम्बर, रफली याद रहता ही है. चार्जन इलेक्ट्रॉन 10^-19 कूलम, चार्जन प्रोटॉन 10^-19 कूलम, मास ऑफ प्रोटॉन 10^-27 किलोग्राम, मास ऑफ न्यूट्रॉन 10^-27 किलोग्राम, रेडियस ऑफ अर्थ 10^-7 मीटर, मास ऑफ अर्थ 24 क्योंकि 6 × 10^24 नहीं चलेगा, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो कैसे लिखोगे 0.6 × 10^24, मतलब 0.6 × 10^25, राइट, 10^25 किलोग्राम. तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो पहले ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है ये अच्छे से पता होना चाहिए. तो हम इसका थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, नोट्स में नहीं लिखना है बिकॉज इट इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट. सिर्फ पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं. तो वेल, बाय द वे, इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज और वेरी स्मॉल वैल्यूज. ये जो वैल्यूज है, सच वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड और सच वैल्यूज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सच वैल्यूज. जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 × 10^-19, हम लिखते क्या है 1.6, माइनस नाइन लिखा गया, तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मॉड, राइट, क्योंकि हमको रियल वैल्यू में इंटरेस्ट है ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट इसमें 10^10 में. तो रिमेंबर दिस, आगे ये -1.6 आया भी वी डू नॉट केयर, हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है, पावर, ओनली पावर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ सच वैल्यूज, मैग्नीट्यूड of such values are represented in scientific notation. तो ऐसा आ सकता है
Express the following number in scientific notation. Express radius of Earth in scientific notation. So जैसे देखो 0.64 × 10^2. What is radius of Earth? 6400 km. Rule क्या था? पहले क्या करोगे? SI में convert. SI में convert करने के लिए क्या करोगे? 10^3 m. Scientific notation क्या था? A × 10^n. A की value क्या होनी चाहिए? तो 0.6 कर दिया और यहाँ पे पावर 7, राइट? तो रिमेम्बर दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ सच वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन एज एज A × 10^n, वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या थी? Greater than equal to 0.5, less than 5, and power of 10 matlab kon n, right? Power of 10, which is n, is known as order of magnitude. Okay. तो बहुत सारे कांस्टेंट अभी आना बाकी है, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जैसे एवोगैड्रो नंबर, यू विल हैव प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फिजिक्स में बहुत सारे कांस्टेंट 2 साल में और आएंगे। तो फिर आपने जो लॉग बुक लिया है उसमें भी दिया है वो वैल्यूज। तो इन योर लॉग बुक यू हैव वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट गिवन देयर। तो बहुत सारे कांस्टेंट है, 40-50 तो होंगे। तो सबकी एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। विद टाइम यू विल रिमेम्बर, बट 10 का पावर याद रखना इजी होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, तो भूल गया मैं 10 के पावर में +30 था, -30 था, क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल। अर्थ का मास मैं भूल गया, लेकिन इतना तो पता है अर्थ इज वेरी हेवी। तो 10^+25 के आसपास है वो। तो 10 का पावर याद रखना ज्यादा ईजी है। तो दैट इज वाई वी डिफाइन वॉट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जब हम जेई नीट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको पूछूंगा, टेल मी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बता दो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। -90। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ अर्थ +25। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन -27। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ 10^7 है, तो क्या आ गया? 7, करेक्ट, गुड। अब अगर आपको ये एक बार समझा है तो अगला टॉपिक समझ में आएगा। अगला टॉपिक इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट बेसिकली। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आप एक मेजरमेंट करोगे, उस मेजरमेंट में कौन से डिजिट दे आर इम्पॉर्टेंट टू यू। अब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जो वैल्यूज मैंने आपको नोट्स में दिए हैं, मैं वही वैल्यूज यहाँ पे यूज कर लूंगा। लेट अस से मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एंड देन मैंने एक सेंटीमीटर स्केल लिया, and then I measure the distance between these two points. तो पहला रीडिंग मिला 15.4, दूसरा रीडिंग मिला 15.4, correct? तीसरा रीडिंग मिला 15.3, which is true value? Which is true value? None of these, mean value. तो आप mean value लोगे, what is mean value? 15.4 + 15.4 + 15.353, मान लो ये आता है 15.43 फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब हम एक छोटी सी चीज भूल गए यहाँ पे, वी फॉरगॉट वन थिंग, एंड दैट इज जब हमने स्केल यूज करके रीडिंग लिया और अगर 15.4 आया, 15.3 आया, मैंने आपको बताया था 15 point के बाद एक नंबर, मतलब what is the least count of instrument? What is least count?
What is least? What is the meaning of least count? Least मतलब छोटा, count मतलब count. तो एक instrument use करके आप smallest measurement जो कर सकते हो उसको क्या बोलते हो? Least count. Least count का मतलब यही होता है the smallest, the minimum measurement that you can make using an instrument is called as least count. मेरे पास सेंटीमीटर स्केल है, आप सबने यूज किया है, आपको पता होगा कि सेंटीमीटर स्केल में डिविजन्स कैसे होते हैं. किसी भी दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है 0.1. तो मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल ऐसा एक आई हैव समथिंग लाइक दिस, ओके, दोज आर गेटिंग कंफ्यूज, मैं क्लियर कर देता हूँ. इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज आई विल पुट अ 15.5 हियर. आप बोलोगे हाँ अभी एवरेज बराबर, क्योंकि मैंने बताया था एवरेज ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में आता है. तो ठीक है 15.4, 15.4 एंड 15.5 एवरेज विल बी, मान लो ऐसा. इमेजिन, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, हम एग्जैक्ट एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे टॉपिक में है तो एवरेज छोड़ दो, कॉन्सेप्ट समझो. कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैंने पहला रीडिंग लिया तो 15.4 ये 15 का लाइन था, इससे पहले भी डिविजन थे, ये 15.1 हो गया, ये 15.2 है, ये 15.3 है, ये 15.4 है, और ए और बी का डिस्टेंस मेजर करना है तो बी पॉइंट 15.4 और 15.5 के बीच में है, करेक्ट. तो ये जो स्केल मैं यूज कर रहा हूं इसका लीस्ट काउंट कितना है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक with the help of this scale? 0.1, right? 15.1 के बाद 15.2, उसके बाद 15.3, 15.4, 15.5, 15.6. मतलब दो lines के बीच का distance कितना है? 0.1. The minimum measurement that you can make using an instrument is called as least count of that instrument. Correct? अब problem क्या था कि मुझे A और B के बीच का distance निकालना था. हमने तीन रीडिंग ले लिए, 15.4 आया, 15.4 आया और 15.5 आया. तो हमको ऑलरेडी पता है कि जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू नहीं होता तो हम क्या करते हैं? मोस्ट प्रोबेबल मतलब मीन वैल्यू निकालते हैं. मीन वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू वैल्यू, करेक्ट. मीन वैल्यू इज टेकन एज ट्रू वैल्यू. पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि मीन वैल्यू का एक्यूरेसी देखो, मीन वैल्यू का एक्यूरेसी कितना है? 0.01. इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी कितना था? 0.1. गड़बड़ हो गई. यू कैनॉट से विथ श्योरिटी, आप श्योर होके बोल ही नहीं सकते विथ 100% कॉन्फिडेंस लेवल, यू कैनॉट से कि आंसर यही आएगा. नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आपके स्केल मेजर ही नहीं कर सकते. यू कैनॉट मेजर वॉट इज बियॉन्ड 0.4 के आगे, मतलब 0.1 से नीचे मेजर नहीं हो सकता है इसमें. So that is why हम 100% कॉन्फिडेंस लेवल से बोल नहीं सकते कि हमारा आंसर 15.4 आएगा कि 15.5 आएगा. हमारा आंसर आएगा एनीवेयर बिटवीन 15.4 एंड 15.5. यहां तक क्लियर? इज दिस क्लियर 100%? यस. तो अब What do you mean by significant figures? तो जो भी हमारा रीडिंग आया, कम से कम इतना तो पक्का पता है कि 15 तो आने ही वाला है, राइट? तो इसको बोलते हैं सर्टन डिजिट्स. सर्टन मतलब श्योर, सर्टन, यू आर श्योर अबाउट दिस, दिस आर कॉल्ड एज सर्टन डिजिट्स. और जो आखिरी दो डिजिट थे इसको आप बोलते हो अनसर्टन, क्योंकि आपको पता नहीं कि पक्का यही आएगा. 0.4 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है, करेक्ट. यहां तक क्लियर? अब सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो डिजिट्स सर्टन है, कितने हैं यहाँ पे? दो, पहले दो प्लस वन एडिशनल. प्लस वन एडिशनल मतलब इसके बाद का एक जो अनसर्टन था. तो ये तीन मिला के इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. वापस आइडिया समझ लो, कॉन्सेप्ट वापस समझ लो अच्छे से. कॉन्सेप्ट इज हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यूजिंग अ स्केल.
उस स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर से कम का एक्यूरेसी इस इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिल सकता। तो आपको जो भी रीडिंग मिलेगी वो ऐसी मिलेगी 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 0.1 और 2 के बीच में कुछ नहीं मिलेगा, 0.2 और 3 के बीच में नहीं मिल सकता, क्योंकि स्केल में मार्किंग ही नहीं है, करेक्ट। तो इसका मतलब जो मैंने रीडिंग लिए, मैंने पहला रीडिंग लिया मुझे मिल गया 15.4, दूसरा लिया मिल गया 15.4, तीसरा लिया मिल गया 15.5। मैंने क्या किया, तीनों का एवरेज कर दिया, क्योंकि मुझे ट्रू वैल्यू पता नहीं था, जो एवरेज वैल्यू आया इसको मैंने बोल दिया ट्रू वैल्यू। बट प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रू वैल्यू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया उसका एक्यूरेसी था 0.1 का, ट्रू वैल्यू का आया 0.01 का, तो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमें इतना पता है कि एक चीज तो पक्की है कि पहले दो नंबर क्या आने वाले हैं, 1 और 5, करेक्ट, क्योंकि 15 सेंटीमीटर तो आने ही वाला है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या था कि जो ए और बी का डिस्टेंस था, यहाँ पे एक लाइन आई थी जो थी 15.4, यहाँ पे जो लाइन आई थी वो आई थी 15.5, मतलब 0.4 और 0.5 श्योर नहीं है, 0.4 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। तो ये जो पहले दो डिजिट्स थे ये क्या थे, सर्टन फिक्स थे, श्योर थे हम लोग, 100% कॉन्फिडेंस था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद के जो दो डिजिट्स आए वो क्या है, अनसर्टन। अब सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या, सिग्निफिकेंट फिगर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सर्टन डिजिट्स, कितने हैं यहाँ पे, 2 प्लस 1 एडिशनल। प्लस 1 एडिशनल मतलब कौन सा वो। अब ये तो लॉजिकली समझ में आता है हमको कि ये लेना पड़ेगा, क्योंकि पक्का 15 सेंटीमीटर तो आएगा ही, ये फिक्स है। अगला क्यों लिया, क्योंकि अगला आपको बताता है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सर्टन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट प्लस 1 एडिशनल अनसर्टन डिजिट। ये जो एडिशनल अनसर्टन लिया उसका रीजन एक ही था, अगर मैं नहीं लेता तो मुझे समझ में नहीं आता कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नहीं मुझे नहीं लेना है अनसर्टन, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 और 5। तो समझ में कैसे आएगा कि आपका जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना है, राइट। अगर मैंने बोला कि एक एडिशनल ले लो, एडिशनल कौन था, इसने क्या बता दिया आपको, 0.1, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोस फिगर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ मेजरमेंट बिकॉज दे टेल यू समथिंग अबाउट मेजरमेंट। एंड व्हाट इज दैट समथिंग, एक तो आपको पता लगेगा कि पक्का 15 है, मतलब आपको कम से कम एक रफ आइडिया मिल गया रीडिंग का, और जो तीसरा नंबर था इसने आपको बता दिया एरर कितना है। तो सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट। तो दीज आर 3 नंबर्स, यहाँ पे 3 था, ये हमारे काम का ही नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा। इंफॉर्मेशन किसने दिया आपको, 1 ने 5 ने, इसने बता दिया कि हाँ आपका रीडिंग 15 के ऊपर है, और इसने बता दिया एरर कितना है, राइट। तो सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट डिजिट्स ऑफ अ मेजरमेंट। अब आपको इस लेवल तक सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन है और कुछ रूल्स है आपको, मतलब ये बताना पड़ेगा कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो हम लिखेंगे बाद में। अगर मैंने आपको एक रीडिंग दिया, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू सम रीडिंग, 2, 0, 3 और यहाँ पे 0, तो हमको कुछ रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। बाय अप्लाइंग सम रूल्स हमको फाइंड करना होता है कि इस रीडिंग में, इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उसके रूल्स है, देयर आर 6 और 7 रूल्स, टोटल 7। रूल नंबर 1, जितने भी नॉन जीरो नंबर हो, कितने नॉन जीरो नंबर है, 2, कौन कौन से 2, 2 और 3, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये रूल नंबर 1, मतलब नॉन जीरो नंबर का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, 0 का। तो अगले 6 रूल सारे 0 के हैं। नेक्स्ट
five or six rule, they belong to zero. So rule number two, any zero, zeros between two non-zeros, zeros between two non-zeros is significant. अगर एक जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ गया तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट. करेक्ट. देन ऑल द लीडिंग जीरोस, लीडिंग मतलब जो पहले आया, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तीन रूल बन गए. पहला रूल था एनी नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. रूल नंबर टू, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस इज सिग्निफिकेंट, ऑल द लीडिंग जीरोस आर not significant. अब ऐसा भी हो सकता था 0.0203, तो all the leading zeros are not significant. अब trailing का problem है. trailing मतलब बाद में आने वाला. अगर मैंने ऐसा लिखा 23.00, all the trailing zeros after decimal to the right of decimal, decimal के बाद में, decimal के right में है, तो ऑल द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. तो ये हो गए सिग्निफिकेंट. क्लियर, राइट? देन अगर आप होल नंबर लिख रहे हो, व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर इज द होल नंबर. व्हाट इज होल नंबर? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं होल नंबर लिख रहा हूं, दिस इज होल नंबर. Whole number with trailing zeros without decimal. Decimal लिखा है मैंने यहाँ पे. तो ये जो दो zeros है, these are insignificant, not significant. याद रखना, trailing zeros in a whole number without decimal are insignificant, are not significant. जैसे ही यहाँ पे आपने point लगाया, trailing zeros in a whole number with decimal shown are significant. Clear? Right. Last rule. If you represent any physical quantity in its scientific notation, for example, 6.67 into 10 power minus 11, 10 के power जो होते हैं, इसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है. राइट, तो 10 का जो पावर है, इट इज इनसिग्निफिकेंट. तो जो ए नंबर था, ए याद है, अभी लिखा हमने, अभी लिखा ए. करेक्ट, तो ए में जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही सिग्निफिकेंट है. और ए के लिए 6 रूल अभी बनाए. कौन से 6 रूल बनाए? ऑल द नॉन जीरोस सिग्निफिकेंट, एनी जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ऑल द लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, trailing zeros to the right of decimal are significant, trailing zeros in a whole number without decimal shown are not significant, trailing zeros in a whole number with decimal shown is significant. So jab scientific notation mein likhoge, तो 10 का जो पावर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो बाय रूल हो गया. तो सिग्निफिकेंट फिगर कहां से आ रहे हैं? ए से. अब ए पे वही 6 रूल लगा वापस से, तो उस 6 रूल के हिसाब से जितने भी सिग्निफिकेंट आए, दैट विल बी कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स. क्लियर यहां तक? तो जस्ट फॉर अ ब्रश अप, हमने आज सबसे पहला टॉपिक देखा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. प्रॉब्लम ये है कि यू विल कम अक्रॉस, फिजिक्स में आप देखोगे 2 साल में बहुत बड़े नंबर, बहुत छोटे नंबर आते हैं, राइट? हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर की बात कर रहे हैं. हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000 तक की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट 10^7, 8, 9, 10, 23, 24 या फिर 10^-7, -8, -31. वेरी बिग और वेरी स्मॉल नंबर. अब वेरी बिग वेरी स्मॉल नंबर का दिक्कत यह है कि एग्जैक्ट वैल्यू हम याद नहीं रख सकते, रखने की जरूरत नहीं है. तो हमने बोला कि ज्यादा बड़ा नंबर हो, ज्यादा छोटा नंबर हो, तो उसको कौन से फॉर्मेट में लिखोगे? a into 10^n. गुड, यहाँ पे a पे एक रूल लग गया,
a की वैल्यू होनी चाहिए 0.5 से ज्यादा या इक्वल और 5 से कम, और जो पावर ऑफ 10 था उसको बोल दिया आपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देन हम आए सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली मतलब क्या, यहाँ पे हमने कुछ मेजरमेंट ली, फॉर एग्जाम्पल दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। इमेजिन मेरे पास एक थर्मोमीटर है, मैंने थर्मोमीटर में बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर किया, हॉट वाटर बोलो, बॉइलिंग से हॉट बोलो, क्योंकि बॉइलिंग वाटर को 100 डिग्री होना चाहिए, हॉट वाटर बोल देते हैं। हमको ऐसा रीडिंग मिला, ये मर्क्यूरी लेवल है, मर्क्यूरी लेवल यहाँ पर एक मार्किंग था, लेट अस से आपको पता है व्हाट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग अ थर्मोमीटर, 1 डिग्री। थर्मोमीटर में कम से कम आप 1 डिग्री मेजर कर सकते हो, उससे कम आप मेजर नहीं कर सकते। मान लो कि यहाँ पे है 91, यहाँ पे है 92, करेक्ट, तो हमारा जो आंसर है वो किसमें आएगा, 91 से 92 के बीच में। मैंने पहले मेजरमेंट लिया तो मुझे मिला 91, फिर मैंने लिया तो मुझे मिला 92, फिर वापस लिया तो मुझे मिला 92, तो मैंने क्या किया, एवरेजिंग, एवरेज क्या आएगा 92 point something, मतलब लीस्ट काउंट कितना था, 1 डिग्री। आपका जो मीन वैल्यू आया, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आया, वो कितना गया, 0.1 डिग्री। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता मतलब हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि किसी भी मेजरमेंट में कितने नंबर, क्योंकि मेजरमेंट में डिजिट्स आएंगे, मैंने अभी बताया था 15.43, तो किसी भी एक मेजरमेंट में, एक वैल्यू में, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में कुछ ऐसे डिजिट्स है जो हमारे काम के है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। किसका इंफॉर्मेशन, एक तो रीडिंग का, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज मिनिमम 15.4 तो आने वाला है, 15 पॉइंट तो आने ही वाला है, 0.4 आएगा कि 0.5 आएगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन क्या आएगा, 15 तो आएगा। क्लियर, अगर क्लियर, मतलब ये दोनों पक्के है, फिक्स है, दीज आर टू सर्टन, दीज टू नंबर्स आर फिक्स, सर्टन, श्योर, 100% कॉन्फिडेंस लेवल, आएगा ही, इतना आएगा ही, गुड, यहाँ तक क्लियर। ये जो 0.4 है ये सर्टन तो नहीं है, लेकिन ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है व्हाट इज एरर, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, बराबर, तो दिस विल टेल अस व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या बोला कि दो सर्टन थे और दो क्या थे यहाँ पे, अनसर्टन, लेकिन मुझे रीडिंग में से इंफॉर्मेशन निकालना है, तो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सिर्फ सर्टन से काम नहीं चलेगा। मैंने बोला मैं सिर्फ 1 और 5 लेता हूँ, लेट अस टेक 1 और 5, क्या हो जाएगा आपको, कुछ नहीं, 15, हाँ 15, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या पता लगा, नथिंग, आप बता नहीं सकते इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना था, बताओगे क्या, बताओ क्या लीस्ट काउंट, आई डोंट नो, राइट, बट अगर मैं साथ में एक डिजिट ले लेता हूँ, एक, तो वो बता देगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें लीस्ट काउंट कितना है, 0.1। तो दो सर्टन और एक अनसर्टन, ये मिलके इंपॉर्टेंट बन गए। इंपॉर्टेंट क्या बोलते हो, तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहां तक क्लियर, गुड, राइट। तो अब बुक में लिखने का तरीका होता है, दे राइट समथिंग, समथिंग दे राइट, बोलेंगे आर एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी ऑफ आर मेजरमेंट इज लिमिटेड टू लीस्ट काउंट। हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसका एक्यूरेसी कौन डिसाइड करेगा, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज लिमिटेड टू व्हाट, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का ही होता है, तो लिखेंगे नहीं हम लोग,
आप बता दो कि लीस्ट काउंट क्या है. लीस्ट काउंट, व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज, व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट या फिर इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट वन कैन मेक. You can make, I can make, that is why one can make using an instrument. So what is least count of wall clock in your house? 1 second. So least count is a minimum measurement that one can make using an instrument, right? Now let us consider an example. Good, right? So ab ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी. लेट द मेजर्ड डिस्टेंस बिटवीन देम टू बी, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, आपको जो पसंद आए वो ले लो. 15.4, 15.4, 15.5, आप बोल सकते हो 2.1, 2.1, 2.2, doesn't matter, सिर्फ एवरेज करना पड़ेगा आपको. व्हाट इज एवरेज ऑफ 2.1, 2.1 एंड 2.2? व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस? 4.2 और 2.2, 6.4 by 3. 2.1 plus 2.1 is 4.2 plus 2.2 is 6.4 upon 3. अभी तक हो जाना चाहिए था. 2.1 के आगे और 2.13. तो मैं सभी लिख सकते थे. Consider 2.1 and B. Let the measured distance between them to be 2.1, 2.1 and 2.2. Right? Then the most probable value, मतलब average value is कितना आया? 15.43. जो example आपने बताया वो उसमें क्या आया? 2.13. Right? 15.43. Now, ये जो रीडिंग हमने लिखा है, इन दिस देयर आर टू सर्टन डिजिट्स. कौन से दो सर्टन थे? 1 and 5, अबाउट विच वी आर श्योर, मतलब कॉन्फिडेंट, राइट? एंड देयर आर टू अनसर्टन डिजिट्स. कौन से अनसर्टन थे? 4 and 3, अबाउट विच वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, मतलब अबाउट विच वी आर नॉट श्योर. राइट? देन significant figures are defined as, kaisa bologe? significant figures are digits which are certain plus an additional extra cone uncertain, plus n मतलब एक, plus one भी बोल सकते हो, plus n additional, आपको confusion कम करने के लिए बोल सकता हूँ, plus one additional, ऐसा one मत करना, जिसमें plus one है, तो बोलोगे 15 plus 1, कितना? 16, not 16, plus one additional uncertain digit. Right? Uncertain digit. Clear यहाँ तक? अभी मैंने आपको example दिया था 15.4 का, that is why ऐसा आया. जो आपने बताया वो था 2.1
2.1, 2.2, इसमें कितना है 2.13। तो अब यहाँ पे सर्टन कोण है, एक ही है, इसलिए मैंने क्या लिखा, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स विच आर सर्टन। मैंने बोला क्या टू डिजिट विच आर सर्टन, ये इस रीडिंग में दो सर्टन थे, अलग रीडिंग में एक ही सर्टन है, तो एक सर्टन और दो कौन अनसर्टन, इन दोनों में से कौन सा लोगे, एक ही लोगे, करेक्ट। अनदर एग्जांपल 125.1 125.1 125.2, इमेजिन इसका एवरेज आता है 125.13, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एग्जांपल। तो कितने सर्टन, कितने सर्टन, 3 सर्टन, और कितने अनसर्टन, 2 अनसर्टन है, 3 सर्टन है, लिव इट, तो 3 सर्टन है और एक, 3 सर्टन और 2 अनसर्टन है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितने लोग है, 3 सर्टन और एक अनसर्टन, तो ये क्या आएगा, सिग्निफिकेंट, करेक्ट, क्लियर यहां तक। अनदर एग्जांपल चलते जाओ, 1002.1 1002.1 1002.2 एवरेज इज 1002.13। कितने सर्टन, कितने तो अब जैसे आपने बोला 5 डिजिट सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट थे, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट थे, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 3 सिग्निफिकेंट थे, तो हमको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे टू फाइंड आउट व्हाट। हर बार करोगे क्या, हर बार ऐसा करोगे एवरेज, अब हो सकता है ना, मे बी इट इज पॉसिबल, आपको बताया ही नहीं, 15.4 नहीं पता, 15.4 नहीं पता और 15.5 भी नहीं पता, सीधा बता दिया हमारे पास एक रीडिंग है, वो रीडिंग इतना है, टेल अस व्हाट आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ऑल द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अब आप बोलोगे अभी तो बोला कि ये नहीं, वो कब, जब आपको रीडिंग पता होता है, पता है रीडिंग, आप बताया कि कौन कौन से रीडिंग थे, सीधा क्या बोल दिया, वी हैव अ मेजरमेंट, बताओ कितने सिग्निफिकेंट, अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट, कितने, 4, अभी भी 4, क्योंकि रूल था, रूल क्या था, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट, ऑल द जीरोस ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, वेरी गुड वेरी गुड, अब बता दो कितने सिग्निफिकेंट, एंड नाउ 5, 5, वेरी गुड। तो इसके लिए हमको बताना चाहिए रूल्स टू फाइंड आउट व्हाट आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, तो रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो देर आर इन टोटल 7, उसमें से नंबर 1 आप ही बताओगे, ऑल द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल मैंने नोट्स में दिया है, मैं यहाँ पे बता देता हूं, लेट अस से 0, 2, 0, 3, तो दोनों नॉन जीरो, कौन से नॉन जीरो, 2 and 3, दे आर सिग्निफिकेंट, तो मतलब प्रॉब्लम किसका है, प्रॉब्लम जीरो का है, तो प्रॉब्लम किसका नहीं है, नॉन जीरो का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो नॉन जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। नंबर 2 जीरो, दिक्कत है जीरो का, प्रॉब्लम है जीरो का, अब क्या करोगे, आप बोलोगे जीरोस किसके बीच में, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस बिकम हीरोस, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोस बिकम्स हीरोस, मतलब सिग्निफिकेंट बन गया। ये याद रखने का छोटा छोटा ट्रिक, यू हैव टू रिमेम्बर, जेईई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा, अरे ऐसा भी याद रखना पड़ता है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट
then all the leading zeros, all the leading zeros are not significant. For example, 0203, ये जो zero है ये significant नहीं, लेकिन ये zero क्या है? Significant है. Very good. Then number 4, all the trailing zeros to the right of decimal, all the trailing zeros to the right of decimal, right of decimal are significant. Example बताया था मैंने 23.00, मतलब इसमें कितने significant digits है total? 4, 2, 3 ये दोनों और point के बाद 2 zero, तो ये दोनों भी significant. Very good. Then rule number 5. अभी whole number पे आ जाओ. All the trailing zeros in a whole number with decimal shown are significant. All the trailing zeros, all the trailing zeros in a whole number, in a whole number with what? With decimal shown are significant. For example, 230 point लगा दिया तो trailing zero बन गया significant. Correct? Right? अगर मैंने point नहीं लगाया तो not significant. क्यों ऐसा? ऐसा है, वापस वही बात है, point लगाना मतलब accuracy बता रहे हो, क्योंकि आप point लगा रहे हो मतलब आपने बता दिया कि आपका जो instrument है वो 1 के बाद 2 measure करेगा, 2 के बाद 3 करेगा, 3 के बाद 4 करेगा, 230 के बाद क्या करेगा? 231. Okay, so this is what it means. Then अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम ये एज अ फुल स्टॉप लेते हैं, पर फिजिक्स में फुल स्टॉप नंबर के बाद नहीं आता. फुल स्टॉप नंबर के बाद आएगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स में आपको लिखना पड़ेगा ना ये मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है कि मिलीमीटर है, किलोग्राम है, क्या है. तो ऐसा तो नहीं करोगे ना 230 point किलोग्राम, राइट? तो ये ज्यादा प्रॉब्लम देगा नहीं हमको ये रूल, तो डू नॉट वरी अबाउट दिस. लास्ट वन क्या था? 5 हो गए, 6 कौन सा था? ऑल द ट्रेलिंग जीरोस, ऑल द ट्रेलिंग जीरोस किसमें? इन अ होल नंबर, इन अ होल नंबर विदाउट डेसिमल शोन are not significant. So ये significant होते नहीं है. Decimal नहीं लगाया मतलब not significant. Last rule, which is for scientific notation, for a number in scientific notation. In scientific notation, you know what is scientific notation? A into 10 raised to n, right? Significant, मैं थोड़ा shortcut मार रहा हूँ, आपके notes में थोड़ा ज़्यादा लिखा होगा. Significant figures are only from किससे आया? A से, by using कौन से rule? First 6 rule. ये सातवां है. By using first 6 rules. तो 10 का जो power है वो contribute नहीं करेगा. Clear यहाँ तक? So if I ask you to find out significant digits in any measurement, will you be able to do so? Yes? पक्का? Sure? Okay. So we will do that in the next session.